हेलो। चलिए तो नीट री एग्ज़ाम का पेपर आ गया है हमारे पास। तो पेपर है आपका, पहला क्वेश्चन बायो देखेंगे, रीजन ऑफ हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस डिग्री एंडेमिज्म, ठीक है, ये हॉटस्पॉट कहलाता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल टिश्यू कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल नट, तो ये मिलता है आपका स्क्लेरिड, है ना, पल्प पियर वगैरह में जो मिलेगा आपको स्क्लेरन काइमा स्क्लेरिड्स मिलता है ये आपको। द क्रोमोजोम देयर इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, दिस इज नोन एज ओरीसाइट, ठीक है, क्रोमोजोम स्पेसिफिक ओरीसाइट कहलाता है। व्हेन मैनी एलील ऑफ अ सिंगल जीन गवर्न कैरेक्टर इट इज कॉल्ड अ पॉलीजेनिक एलील, मल्टीपल एलिलिज्म कहलाता है। मैनी एलील ऑफ सिंगल जीन, एक जीन की बहुत सारे एलील, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये गड़बड़ लग रहा है ये स्टेटमेंट। पॉलीजेनिक इफेक्ट है, ईच एलील इज एडिटिव, थोड़ा स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। मैनी एलील AABBCC, एक ही जीन की तीन एलील हैं, ठीक है, गवन कैरेक्टर इट इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है, तो सही है ये आपका यार, सही है, मतलब AABBCC से तीन जीन हैं आपके, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका, इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, जितना एलील जुड़ता जाएगा तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, वन एंड टू आर ट्रू हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, देखो लाइट रिएक्शन के लिए फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल चाहिए है, लाइट चाहिए है, ठीक है, और H2O चाहिए, CDE, CDE हो जाएगा, ठीक है। CO2 तो डार्क रिएक्शन में चाहिए और O2 तो बाई प्रोडक्ट होता है, तो ये लाइट रिएक्शन में चाहिए नहीं है, तो A और B होगा नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट, 106 फ्लेमिंग ब्राउन पैलेड कैमिलियो गोल्जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है ये, ठीक है। फ्लेमिंग जो है आपका, अच्छा इसमें क्या पूछा, करेक्ट आंसर, अच्छा ठीक है, तो देखो जॉर्ज पैलेट जो है ये आपका, इसने राइबोसोम देखा था, थर्ड हो जाएगा, ब्राउन जो है ये न्यूक्लियस हो गया, फ्लेमिंग जो है क्रोमैटिन हो जाएगा, और गॉल्जी जो है ये फर्स्ट हो जाएगा, तो 2431, 2431 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैच द लिस्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपिक या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिलता है फ्लावर कलर एंटी राइनम सेकेंड, ठीक है। चलिए कोडोमिनेंस जो है ब्लड ग्रुप का एग्जांपल हो जाएगा, 2121 एक ही में दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन जो है आपका। प्लियोट्रॉपिक जीन किसको बोलते हैं, तो प्लियोट्रॉपिक आपका जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया हो जाएगा, पॉलीजेनिक में स्किन कलर हो जाएगा, ठीक है। सी का फोर्थ है, ठीक है, सही आ रहा है आपका यहाँ पर 107 का। 108 का, विच पार्ट ऑफ ओव्यूल स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, तो ओव्यूल का पार्ट पूछ रहा है ना, तो न्यूसिलस रखा रहता है आपका, है ना, फ्यूनिकल तो कनेक्ट करता है ये आपका, प्लेसेंटा भी कनेक्टिंग पार्ट है, इंटीग्यूमेंट कवरिंग है, प्रोटेक्शन पार्ट है, न्यूसिलस में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में आपको एल्ब्यूमिनस सेल मिलता है, सीव सेल मिलता है, सीव सेल, सीव ट्यूब सेल नहीं, सीव सेल, और एल्ब्यूमिन ट्रैकीड मिलेगा, वेसल नहीं मिलती, वेसल जो है इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, है ना, तो एल्ब्यूमिनस सेल है ना। देखो एक बार और थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर में वी हैव ट्राकीड होता है, ठीक है, जाइलम में चार चीज़ें मिलती है ना, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, है ना, और फिर क्या, ट्राकीड एंड वेसल्स, ठीक, तो वेसल जो है ये आपका नहीं मिलता है इसके अंदर में, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स, ये दो चीज़ वहाँ पर मिलती है, कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल हो गए, सीव ट्यूब एलिमेंट की जगह सीव सेल है, ट्रैकिड है, वेसल नहीं है, 100% फोर्थ आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सी टू, इन सी टू, एक्स सी टू, इन सी टू, जहाँ है वहीं की वहीं,
बॉटनिकल गार्डन एक्स सीटू में आता है, बाकी सब इन सीटू का एग्जाम्पल है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप GEAC, डिसीजन जेनेटिक रिसर्च। पहला वाला तो सही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आपका अप्रूवल कमेटी होती है। बायोपायरेसी इज द टर्म यूज टू रिफर द यू बायोसथर, सेकेंड गलत है आपका। बायोपायरेसी मतलब बिना परमिशन के लेके चले जाना आपका एक जगह से दूसरी जगह जो है, यहाँ पर या बेवकूफ़ बना के ले जाना उनको, ये बायोपायरेसी कहलाएगा। तो 1:2 है आपका। नेक्स्ट है पॉलन ग्रेन रिमेन्स प्रिजर्व एज फॉसिल ड्यू टू, तो ये एग्जाइन के कारण होता है, स्पोरोफिल प्रॉब्लम के कारण है। नेक्स्ट है ये देखो, ये मैं क्लास में कराता हूँ क्वेश्चन, सीधा सीधा उठा के आया हुआ मैथ का कॉलम, ठीक है। ये जो है ना इसका साइलोटम, ठीक है, साइलोप्सिडा होगा इसका, साइलोटम साइलोप्सिडा, ये सही है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला, ठीक है, और स्फिनोप्सिडा में ये गलत है पहला वाला, स्फिनोप्सिडा टेरिडोप्सिडा में टेरिस ड्राइव टेरिस एंड एडियंटम आता है, ठीक है। तो एडियंटम स्फिनोप्सिडा में इक्विसेटम आएगा आपका, तो ये गलत है आपका यहाँ पर, ठीक। विच ऑफ द करेक्ट मैच, कौन सा जो है आपका करेक्ट मैच है, तो जिम्नोस्पर्म में पाइनस सीक्वा एंड ये सेड्रस है, सही है, वॉल्फिया यूकेलिप्टस, सीक्वा नहीं आता ना इसके अंदर में, है ना। सीक्वा तो आपका यहाँ पर जो है टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ब्रायोफाइट में स्फैग्नम पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया तो नहीं आएगा ना, पीजी जो है आपका रेड एल्गे में आ जाएगा। टेरिडोफाइट में आपका गिंको नहीं आता, गिंको जो है जिम्नोस्पर्म में आ जाता है, ठीक है। तो पहला वाला सही है आपका, सीड्रस जो है ना, अरे वो जो पढ़ा था आपने PCB, है ना, ब्रांच्ड जो रहेगी आपकी यहाँ पर स्टेम जो रहती है पाइनस और सेड्रस में मिलती है, ठीक है। चलिए तो इसका फर्स्ट हो जाएगा 14 का। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग RNA पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में RNA एक ही टाइप का होता है। प्रोकैरियोट इज कैपेबल कैरियर प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, सिग्मा फैक्टर इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांजिएंट जो है एसोसिएशन विथ रो फैक्टर नहीं सिग्मा फैक्टर, ठीक है, जो स्टार्ट करेगा, और रो तो आपका क्या करेगा स्टॉप कर देगा, तो सेकंड तो गलत है आपका, ठीक है। प्रोकैरियोट RNA पॉलीमर कैपेबल कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन तो पहला स्टेटमेंट सही है, RNA पॉलीमर इज कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, यही तो करता है इलोंगेशन, है ना, सिग्मा अटैचमेंट करेगा रो फैक्टर उसको अलग कर देगा, तो यही जो है इलोंगेशन करता है आपको, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड एडिनाइलिक एसिड जो है ये न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, एसिड या यूरिडिलिक एसिड या आपका जो है यूरिडिन मोनोफॉस्फेट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ही रहेगा। गुआनोसिन ये आपका न्यूक्लियोसाइड है, गुआनिन जो है ये आपका दिस इज नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, यूरासिल और यूरिडिन न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, ठीक है, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट है वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक, एस्टिवेशन एपिस्टेमेंट, अच्छा दोनों तीनों टाइप के मिला के दे दिया है, ठीक। वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी वाला मतलब एक है आपका ओवरलैपिंग वाला है ना, ट्विस्टेड हो जाएगा ये, और एक था आपका एक दूसरे को मार्जिन टच करती हुई वेलवेट अरेंजमेंट है, फिर उसके बाद में वैक्सिलरी है, और वैक्सिलरी के बाद में वी हैव एक लार्ज और दो और एक अंदर में जो था आपका पेपिलियोनेशियस वाला जो फबेशी फैमिली का है, ठीक है। तो वैक्सिलरी जो है आपका केशिया एंड गुलमोहर वाला था, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं इसको,
एपिफाइलस, पेरिगाइनस फ्लावर, पीपल, ये पेरिगाइनस में तो आपका ये पीच हो जाएगा, ठीक है। पीपल की रोज परिक्रमा लगाओ, पीपल, पीच, प्लम, रोज, तो ये पेरिगाइनस। एपिफाइलस डी का सेकंड कितने में दिया, एक ही दो में दिया ना, इन दोनों में। एपी पेटेलस, पेटल से निकल रहा है स्टेमेन, ठीक है। लिली के अंदर में एपी पेटेलस नहीं, एपिफाइलस है, ठीक है। सी का फोर्थ है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ए का थर्ड हो जाएगा, वैक्सिलरी, पी हो जाएगा, ठीक है। वैक्सिलरी वही आपका हो गया, यही वाला लार्ज, फिर ये और ये अंदर वाला, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है चाइना रोज़, ये भी वहीं से आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैरी गोल्ड ससुराल, तो बेसल मैरी गोल्ड है ना, डी का सेकंड, एक ही में दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा आपका, फिर भी मिला लो, है ना। चाइना के, चाइना का जो है आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फ्री सेंट्रल, थर्ड एग्जाइल, ठीक। चलिए ए पी एफ बी, ठीक है। देखो मैरी गोल्ड तो बेसल है ना, सनफ्लावर एंड मैरी गोल्ड जो है ये बेसल है। प्रेम से रोज दिया, ये मार्जिनल रह जाएगा, पेराइटल फोर्थ, सी का फोर्थ है ना, बी का फोर्थ आएगा, बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट है, ठीक है, सही है, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प मेंटेनेंस ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट सीव ट्यूब, तो सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए आपको, तो कंपेनियन सेल जो है ये आपका सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, ठीक। चलिए मीजोजोम इन सेल इज अ एक्सटेंशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड है ये आपका, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है ये, मीजोजोम प्रोकैरियोट में मिलने वाला स्ट्रक्चर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड जिब्रेलिन, ओहो एब्सिसिक एसिड जिब्रेलिन तो फोर्थ हो जाएगा, सी का फोर्थ है, सी का फोर्थ दो में दिया हुआ है, ठीक है। इथाइलिन न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म प्रमोट फीमेल फ्लावर कुकुम्बर, तो क्यूकुम्बर में जो है फीमेल बी का फर्स्ट है, थर्ड ऑप्शन है आंसर, ठीक है। बी का जो है थर्ड है, न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म सही है, और सी का फोर्थ तो है ही, बी का फर्स्ट है, ए का सेकंड है, सही है, चलिए थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट है जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन इक्वलाई से मिलता है ये आपका ह्यूमन इंसुलिन सेकेंड, जेनेटिकली मॉडिफाइड एडीए का फर्स्ट हो जाएगा, एलिजा का थर्ड हो जाएगा, और कॉटन के लिए बैसिलस चल जाएगा, 2413, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, ये देखो ये क्लास में मैं कराता हूँ ये वाला क्वेश्चन जो है मैथ्स द कॉलम, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स वन जो है आपका NADH डिहाइड्रोजिनेस है, कॉम्प्लेक्स टू जो है योर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है, ठीक है, तो फोर्थ है, 1414 एक ही में दिया हुआ सेकंड वाले में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉम्प्लेक्स थ्री, तो थर्ड जो है आपका साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज तो नहीं है, थर्ड जो है आपका BC1 है, और फोर्थ जो है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ठीक तो है आपका, डी का थर्ड आ रहा है, सही तो है। चलिए नेक्स्ट है क्रायोप्रिजर्वेशन लो टेम्परेचर में आपका करना है,
थर्ड ऑप्शन है क्रायोप्रेसेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन? वॉट सेलुलर रेस्पिरेशन? पहला ना तो सही है, सेलुलर रेस्पिरेशन ए, ये तो होगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद बी देख लो तो दो में से आ जाएगा, एंटायर सेलुलर स्ट्रक्चर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये गलत है, बी वाला, तो बी वाला काट दो, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्मेंटेशन एनएरोबिक में होता, सही है। फेट पाइरूवेट फॉर्म ड्यूरिंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है आपका, और फोर्थ ई भी सही है, तो फर्स्ट आंसर है। यूकेरियोट देयर आर थ्री आरएनए पॉलीमरेज इन न्यूक्लियस एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल, सही है। ऑल द थ्री इन यूकेरियोट हैव डिफरेंट रोल, दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हिस्टोन। हिस्टोन जो है क्या है, लिस्ट वन लिस्ट टू, न्यूक्लियोसोम, यूक्रोमेटिन और हिटोक्रोमेटिन। तो हिस्टोन जो है आपका पॉजिटिवली चार बेसिक प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लियोसोम, डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टोमर, फोर्थ थ्री फोर एक ही में दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। वैसे सही है, यूक्रोमेटिन लूजली होता है और हीटोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल रिजल्टिंग गेन और लॉस ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन्यूप्लॉइडी, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये तो गलत लग रहा है यार। गेन और लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम होगा ना, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये बुक से थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा। वैसे तो एन्यूप्लॉइडी की डेफिनेशन तो यही है आपकी, है ना, लेकिन बस यही है गड़बड़, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम गड़बड़ है यहाँ पर। फेलियर ऑफ साइटोकाइन ऑफ काइनेसिस आफ्टर एनाफेस्टेज गेन लॉस ऑफ क्रोमोसोम कॉल पॉली, यही देखो, ये देखो, ये गलत है। आ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम नहीं, यहाँ सेट ऑफ क्रोमोसोम आएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोथ वन एंड टू आर इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम एट द एंड, तो रिकॉम्बिनेशन कब कंप्लीट हो जाता है, तो पैकेटीन में आपका रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है मेटासेंट्रिक मिडिल में होगा, सेकंड सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली अवे रहेगा, टू थ्री, ठीक है। एक्रो टीलो में फर्स्ट हो जाएगा, क्लोज टू द फोर्थ, टू थ्री फोर वन, टू थ्री फोर वन फोर्थ ऑप्शन जो है आपका, ठीक है, दिस इज द फोर्थ ऑप्शन। लाइगेज इज अ क्लास ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग द टू कंपाउंड विच आर द फॉलोइंग नॉट कैटलाइज्ड बाय इट। अभी एनसीईआरटी में एकदम रटने वाला दिया हुआ है लाइगेज का, है ना, ये मुझे कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, इसका डाउट रहेगा, ये रटने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। जहाँ तक कार्बन और कार्बन बॉन्ड है मे बी, ठीक है, ये एक बार बुक से देखना पड़ेगा एग्जैक्टली जो है आपका लाइगेज किसको कैटलाइज नहीं करता है, ठीक है। तो सी ओ सी एन पी ओ को कर रहा है, सी ओ सी को शायद नहीं करता है, आई एम नॉट श्योर, इसका आंसर मुझे नहीं पता है, एक बार मैं देखना पड़ेगा, ठीक है।
स्कूग और मिलर ने जो है आपका कोकोनट मिल्क ऑक्सिन ऑब्जर्व कैलस प्रोलिफरेशन फ्रॉम द इंटरनोड ऑफ टोबैको स्टेम व्हेन ऑक्सिन वाज अप्लाइड इट वाज वन नॉट फॉलिंग एक्सेप्ट। इसमें एब्सिसिक एसिड नहीं था, ठीक है, वैस्कुलर था, कोकोनट यीस्ट एक्सट्रैक्ट था, ये नहीं था आपका। गिवन सम स्टेटमेंट अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऑल जिब्रिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर, ऑक्सिन आर एंटागोनिस्टिक टू जिब्रिलिक एसिड। नहीं, ये वाला तो गलत है। जियाटिन आइसोलेटेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क, ये भी नहीं। जियामेस और इथालिन इंड्यूस फ्लेवरिंग इन मैंगो, ये तो सही है ना, जिब्रेलिक एसिड के नेचर होते हैं, तो जिब्रेलिक एसिड सही है ए। ऑक्सिन जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्ट नहीं, साइटोकाइन के, तो बी तो नहीं होगा, तो ए सी एंड डी। एब्सिसिक एसिड पार्थिनोकार्पी करवाता है, एब्सिसिक एसिड पार्थिनोकार्पी तो नहीं है, ऑक्सिन कराता है आपका, ई भी गलत है, तो ई तो है ही नहीं दोनों के अंदर में, बी गलत होने से ए सी और डी। इथाइलिन फ्लेवरिंग मैंगो, अच्छा मैंगो में इथाइलिन मैंगो एंड दूसरा जो है आपका कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर को करवाने में इंड्यूस करता है आपका, तो ए सी एंड डी मेरे हिसाब से यही सही है आपका, ठीक है। जियाटिन फिर कोकोनट मिल्क से आपका आ जाएगा प्लांट वाला जो है, ऑक्सिन तो नहीं है 100%, एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड ऐसा याद रखना, दोनों एसिड एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, और साइटोकाइन जो है वो ऑक्सिन का एंटागोनिस्टिक है। आइडेंटिफाई इनका स्टेटमेंट रिलेटेड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी डायरेक्टली सीन अंडर यूवी, गलत। सेपरेटेड फ्रॉम फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए मूव टूवर्ड एनोड, पहले ही वाला गलत है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है, ये आपका डीएनए को आपको ना डायरेक्ट नहीं दिखेगा, इसको आपको पहले इथिनियम ब्रोमाइड डालना पड़ता है उसमें। एग्जाम्पल मोनोकार्पिलरी यूनिलोकुलर विथ मैनी ओव्यूल, मोनोकार्पिलरी है यानी एक ओवरी है, यूनिलोकुलर है मैनी ओव्यूल, वन तो वन मतलब फबेशिये फैमिली का जो एग्जाम्पल होगा, तो फबेशिये में टोबैको नहीं आता है, ब्रिंजल नहीं आता है ना, इंडिगोफेरा तो आता है, सी तो है, बी और डी वाला हटा दो, बी और डी नहीं होगा, तो डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो ए और सी हो जाएगा आंसर, सेस्बीनिया एंड इंडिगोफेरा इसके अंदर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, लैकोपेरोन जेड जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज रिस्पॉन्सिबल हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, एडिशन टू लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन इंड्यूस लैकोपेरोन, ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन इंड्यूस लैकोपेरोन, ये गलत है आपका, वन इज ट्रू टू इज फॉल्स।
ये डायग्राम देखो, डायग्राम आ गया आपका। एक्स क्या है? एनसीईआरटी का डायग्राम में ये आपका, चेक कीजिएगा इसका आंसर जो है। इट इज एंडोकार्प में भी 37 का, ये डायग्राम मुझे याद नहीं है इसका, बट ये है कि आपका फॉल्स फ्रूट के अंदर में दिया हुआ है, ये भी एग्जांपल आपका, ठीक है। तो थैलेमस में भी, बट मैं टिक नहीं करूँगा इसको, ऑप्शनल है ना, तो इसलिए याद नहीं है इसका। नेक्स्ट है डाइकॉट लीफ एडेक्सियल एपिनेबियर मोर स्टोमेटा देन एबेक्सियल, ये गलत है, उल्टा लिखा है। एडेक्सियल ऊपर वाला होता है, एबेक्सियल नीचे, तो डाइकॉट में एबेक्सियल में स्टोमेटा ज़्यादा रहता है। इन डाइकॉट लीफ द एडेक्सियल प्लेस्ड पैलिसेड में मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, ये सही है आपका। वन इज ट्रू, वन इज फॉल्स, टू सेकेंड इज ट्रू, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड, कौन फैटी एसिड नहीं है? पामिटिक है, एराकिडोनिक एसिड है, लेसिथिन तो आपका फॉस्फोलिपिड है, वो ए ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, तो ये तो आपका क्या है, ये अमीनो एसिड है, ए और ई तो पक्का नहीं है, ए और ई, तो देखो ए डी और ई, लेसिथिन फॉस्फोलिपिड हो जाएगा, ठीक है। तो ए डी और ई जो है आपका, ये तीनों फैटी एसिड नहीं है। 39, 40 इकोसिस्टम T1, T2, T3, T4 जो है आपका कितना है, 1000 जूल है। वैल्यू एट, अभी क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है क्या पूछा है, 1000 है तो T3 में कितना हो जाएगा, 10,000, 1 लाख और 10 लाख। अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर T1 पूछा है तो 10 लाख हो जाएगा आपका, ठीक है, वही आंसर आएगा अगर होगा तो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट डिफ्यूज आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन निकल जाता है क्लोरोप्लास्ट में से। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी क्रिएटेड नॉर्मली बाय कटिंग वेक्टर डीएनए SOUND DNA रिस्पेक्टिवली विथ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी क्रिएटेड नॉर्मली बाय वेक्टर डीएनए, ठीक है, वेक्टर से कट करिए, एंड डीएनए दोनों को सेम से काटना पड़ेगा आपको। हिंट टू देखो, वैसे तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल क्रिएटेड बाय कटिंग एंड सेम से काटते हैं दोनों को, तभी स्टिकी एंड बनेगा सेम, तो जुड़ जाएगा आपका। शायद पीछे का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, बट आंसर फर्स्ट ही होगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, डू नॉट, इकोलॉजिकल पिरामिड लिमिटेशन नहीं है, नॉट अ लिमिटेशन, इकोलॉजिकल पिरामिड का लिमिटेशन नहीं है, ये सही है। एकोमोडेट फूड ये नहीं करता है, ठीक है, ये फूड को सेप्रोफाइट नहीं, ये तीनों तो सही है आपका, ठीक है, तो ये लिमिटेशन नहीं है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ पड़ रहा हूँ शायद मैं, नॉट लिमिटेशन, एक एकोमोडेट फूड वेब, तो ये तो नहीं है ना, ये फूड वेब को एकोमोडेट नहीं करता है, ये इसका लिमिटेशन है। इसमें सेप्रोफाइट आर नॉट गिवन, ये इसका लिमिटेशन है, सही है। इट एज्यूम सिंपल फूड चेन जो कभी एग्जिट कर, सही है। इट डज नॉट एकोमोडेट द फूड चेन, फूड वेब, ये होना चाहिए था इसका आंसर, ठीक है, तो इसलिए थर्ड वाला गलत है।
द बीटी टॉक्सिन इन जेनेटिकली इंजीनियर बीटी कॉटन किल द पेस्ट बाय मिडगट में उनका ख़राब कर देता है। नेक्स्ट यूग्लिनॉइड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा ठीक है चलो इजी है। यूग्लिना यूग्लिना दोनों टाइप का है। फोर्थ डायनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेसिस थ्री स्लाइम मोल्ड सैप्रोफाइट टू प्लाज्मोडियम फोर वन तो फोर थ्री टू वन। चलिए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट द इफेक्ट ऑफ सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। जैसे जैसे सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ये बढ़ेगा फिर एक समय के बाद ये ख़त्म। फर्स्ट होगा ये आंसर ठीक है। इनिशियली बढ़ता है फिर कॉन्स्टेंट हो जाता है ठीक है। फर्स्ट वाला है ये आपका। चलिए व्हेन विल पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज अंडर स्पेशल कंडीशन डेथ एक्सीड बर्थ। गलत इसमें कम हो जाएगी। बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ इसमें भी बढ़ेगी नहीं डेंसिटी। बर्थ प्लस नंबर ऑफ ई माइग्रेंट इज मोर डेथ इमाइग्रेंट्स यानी बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमाइग्रेंट मोर देन ये। हाँ ये करा देगा आपका। नाउ व्हेन अ टॉल पी प्लांट एंड राउंड सीड वॉज सेल्ड टॉल पी प्लांट राउंड सेल इससे क्या बना टॉल विथ राउंड बना टॉल विथ रिंकल भी बना। आइडेंटिटी जीनोटाइप ऑफ पेरेंट प्लांट सेल्फिंग कराने के बाद में तो देखो सेल्फिंग से टी टी आर आर ठीक है। तो टी और आर टी टी आर आर टी टी आर आर टी टी आर स्मॉलर टॉलर इनकट। हाँ ठीक सही है। फोर्थ ऑप्शन होगा आपका इसका। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो वेस्टर्न घाट है। फोर्थ सीक्रेट ग्रुप खांसी एंड जंतिया हिल्स फोर वन जोहान्सबर्ग वर्ल्ड समिट टू एलियन स्पीशीज पार्थिनियम थर्ड सही है। फर्स्ट ऑप्शन है। ए बी और सी पता लगाना है। बी क्या है थ्री फॉस्फोग्लिसरेट ठीक है। तो ए जो है ये आपका कार्बोक्सिलेशन है। बी जो है रिडक्शन है और रिजनरेशन थर्ड हो जाएगा ये आपका ठीक है। बॉटनी का हुआ है जूलॉजी का नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।